नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विनेश फोगाट को पेरिस में आखिर 16 अगस्त तक यानी 15 अगस्त के बाद तक रोकने के पीछे वजह क्या थी? दरअसल विनेश को पेरिस में रोके रखने के पीछे एक बहुत बड़ा खेल था। आज पर्दा हटाएंगे इस, लेकिन विनेश के आते ही सारा खेल खराब हो गया, पूरी बाजी पलट गई। और कहते हैं ना, जब इरादे फौलादी हों यानी स्टील के हों तो फिर कौन भला रोक सकता है। तो विनेश तो स्टील निकली। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आज विनेश की आंखों में आंसू है, पूरे देश की आंखों में आंसू है। हम भी अभी कुछ वक्त पहले जब वो तस्वीरें दिखा रहे थे तो मैं और भाऊ बैठे थे, भावुक से हो गए थे। लेकिन उस भावुकता के पीछे आज एक जश्न है, देश की बेटी वापस। जो पेरिस में विनेश को रोकने का खेल था उससे पर्दा हटाने के लिए आज हम एक खास मेहमान को जोड़ रहे हैं अपने साथ। हेमंत अत्री जी हैं, पत्रकारिता जगत में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। और आपको एक सूचना और दे दूं कार्यक्रम शुरू करने से पहले, आज से हेमंत अत्री जी न्यूज लॉन्चर पर आपके साथ रोजाना रहेंगे। तय वक्त भी बता देंगे, आज तो पहला एपिसोड है, फिर हम वक्त भी तय कर देंगे। उस वक्त पर रोजाना रहेंगे। हरियाणा में संग्राम, चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। कल आधिकारिक ऐलान हुआ था और आज संग्राम का शंखनाद हुआ है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। तो चुनावी संग्राम पर पल पल की अपडेट, रणभूमि में क्या हो रहा है, संजय की तरह आंखों देखा हाल अत्री जी की जुबानी आप तक हम लेकर के आए। फिलहाल कार्यक्रम विनेश पर है, हमने सूचना थी इंपॉर्टेंट वो दे दी, सीधा चलते हैं अत्री जी के पास। अत्री जी, ये विनेश आ गई, विनेश के आंखों में आंसू है, वो तस्वीरें भी हम अभी दिखा देंगे जब हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, साथ साथ तस्वीरें भी मैं कहूंगा कि आज दिखाएं, आज विनेश का दिन है और आज नहीं, विनेश जैसी बेटी का 365 दिन है। लेकिन विनेश को आखिर ये फैसला रिजर्व, हम लोगों ने, मैं एक बार चर्चा किया था कि हम लोग हिंदी फिल्मों में डायलॉग सुने थे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पेरिस में विदेश में तारीख पर तारीख, सुनवाई पूरी हो जाती है उसके बाद 8 दिन तक वहीं पेरिस में पड़ी रहती है, फैसला रिजर्व हो गया। मुझे लगा कि कहीं हमारे देश की न्यायपालिका तो पेरिस नहीं पहुंच गई। क्या खेल था इसके पीछे, ये मुझे सामान्य नजर नहीं आता है सर, क्या खेल है? देखिए आशीष जी, ये जो घटनाक्रम है केवल इसकी क्रोनोलॉजी को जोड़िए, आपके दर्शकों की सहूलियत के लिए केवल क्रोनोलॉजी को जोड़िए। 7 तारीख को विनेश 3 कुश्तियां बैक टू बैक जीतती है 6 घंटे के अंदर, और उसके बाद उनको जिस तरीके की कुश्ती में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और सारी चीजें होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए बीच बीच में उनको कुछ लेना पड़ता है, प्रोटीन हो, खाना हो, जैसे इस केस में उन्होंने दूध और केले लिए। 8 तारीख की सुबह वो हादसा हो गया जब 7:15 बजे उनका वेट किया गया और वो 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा मिला। वो स्पोर्ट्स में आमतौर पर हो जाता है लेकिन ओलंपिक के लेवल पे बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की घटना थी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि 7 तारीख को जब वो कुश्ती जीती बैक टू बैक, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, यूरोपियन चैंपियन को हराया, अमेरिकन चैंपियन को हराया, उसके उस दौरान में केंद्र की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी ना तो फोन किया गया, ना कोई ट्वीट किया गया, ना किसी तरीके की कोई बात आई। और ये केवल कंजक्चर्स है जिनको आप जोड़ सकते हैं और बाकी दर्शक खुद समझदार है, वैल्यू जजमेंट उनके ऊपर छोड़े। 8 तारीख को सुबह सुबह 7:15 बजे ये हादसा होता है कि उनका वेट 100 ग्राम ऊपर मिलता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और आपने देखा 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री का कितना शानदार अंग्रेजी में लिखा हुआ ट्वीट आया और उन्होंने उसमें तमाम तरह की भावनाएं प्रकट की कि बहुत गलत हुआ ये और संवेदनाएं प्रकट की, लेकिन वो कुछ कह रहा था। उस बात को आप वहीं छोड़ दें और उसके बाद जो स्थितियां हुई, जो घटनाक्रम हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा पेरिस के अंदर चूंकि होस्ट सेट सिटी था, वो ओलंपिक के चार्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी होस्ट सिटी ओलंपिक होस्ट करेगा उसके अंदर प्रो बोनो वकीलों का एक पैनल होगा जो किसी भी केस के अंदर जो स्पोर्ट्समैन जो भी होंगे अलग अलग गेम्स में उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई अपील है, कोई दलील है, कोई आर्ग्यूमेंट है, वो सारा करेगा। तो इनिशियली विनेश ने वहां पर अपील डलवाई प्रो बोनो उसके थ्रू,
जो अपना पैनल था जो बार का, और वो जब अपील डली तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आज ही हियरिंग करेंगे, आपको ध्यान होगा 8 तारीख को शाम को हियरिंग करेंगे। और उसमें अपील में क्या थी, अपील में दो चीजें थी, एक तो मुझे फाइनल कुश्ती लड़ने दी जाए, और अगर मुझे कुश्ती नहीं लड़ने दी जाती तो मेरा सिल्वर मेडल दिया जाए जो कि मैं राइटली डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैं फाइनल में पहुंची हूँ। तो ये दो अपीलें थी। सब्सिक्वेंटली उनको बताया गया कि आप फाइनल में नहीं जा सकती है क्योंकि डिस्क्वालीफाई होगी, तो उन्होंने वो पार्ट विड्रॉ किया, आपको ध्यान होगा, और केवल ये पार्ट रखा कि मुझे सिल्वर मेडल दे दिया जाए क्योंकि आई रिचली डिजर्व इट, मैं तो वहां तक पहुंची हूँ। उस दौरान में क्या हुआ कि विनेश की तरफ से वकील कौन थे, प्रो बोनो पैनल था जो कि पेरिस के बार का था, डिस्ट्रिक्ट बार का या स्टेट बार जो भी। इसी दौरान में भारत सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो सारे एक्शन में आते और वो हरीश साल्वे साहब को लेकर आते, हरीश साल्वे साहब आर्ग्यू करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ विनेश फोगाट। ये सारा चीज आपको घटनाक्रम याद है। जो हरीश साल्वे साहब है वो उनका केस के सामने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है के स्पोर्ट्स का, उनका तो कोई तजुर्बा नहीं, वो स्पोर्ट्स के वकील तो है नहीं, वो तो कंपनी ला के वकील है, सिविल के हैं, क्रिमिनल के हैं, बहुत रिनाउंड नाम, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके स्पोर्ट्स के वकील नहीं। स्पोर्ट्स के तो सारे चार्टर्स अलग है, ओलंपिक चार्टर्स अलग है, सारी चीजें अलग है, सारे देश को पता है। फिर भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारत सरकार अपने सबसे बड़े वकील के जरिए मदद करना चाहती है, ये एक मैसेज दिया गया। और वो मैसेज के बाद आपने देखा 3 बार हियरिंग पोस्टपोन हुई। हियरिंग पोस्टपोन होना, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि आज ही करते हैं, फिर कहा कि नहीं कल सुबह करेंगे, कल शाम को करेंगे, फाइनल होते होते वो 3 बार हियरिंग एडजर्न, ऑनलाइन हियरिंग थी, हियरिंग होगी। आमतौर पर आप कोई भी ऑर्डर केस का उठा के देखेंगे, ऑनलाइन उनके सारे ऑर्डर अवेलेबल हैं, वो बहुत डिटेल स्पीकिंग ऑर्डर होते हैं, बहुत डिटेल स्पीकिंग ऑर्डर होते हैं, आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है, डिफेंस क्या कह रहा है, उसके ऊपर जो उनके जो मेंबर्स हैं केस के उनका वैल्यू आर्गुमेंट क्या है, फाइनल जजमेंट क्या है, इस तरह का एक स्पीकिंग ऑर्डर आता है पूरा डिटेल, कोई भी ऑर्डर खोलिए आप। इस केस के अंदर 6 दिन तक लगातार 6 दिन तक ऑर्डर आगे से आगे डेफर होता चला गया, और 16 तारीख को एक लाइन का ऑर्डर आया, वो ऑर्डर क्या था कि द अपील इज डिसमिस्ड, तो दैट इज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर। और ये अगर एक सेंटेंस लिखना था इसके लिए तो 6 दिन की जरूरत नहीं थी, अपने आप में सस्पिक्शन क्रिएट करता है। अब इसका साथ जो जानकार है स्पोर्ट्स के और जो घटनाक्रम है इसको उससे जोड़िए, 15 तारीख को देश की आजादी की 78वीं सालगिरह थी, 14 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी सारे ओलंपियन से मिले, विनेश फोगाट कहां थी, पेरिस के अंदर, उनको उनका जो जजमेंट था वो पेंडिंग था, और वो जजमेंट अगर फेवरेबल भी आता, आप उसको उल्टा करके देखिए, अभी तो अपील डिसमिस हुई, इन केस वो फेवरेबल भी होता तो ओलंपिक गेम तो खत्म हो चुके थे, तो उनको कोई सेरिमोनियल तो मेडल मिलना भी नहीं था अदरवाइज, वो तो मेडल उनकी बिहाफ पे आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कोई भी आदमी ले सकता है, इंडियन हाई कमीशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव ले सकता है, दैट इज अ सिंबॉलिक जेस्चर अगर वो केस होता, तो यहां तो इस केस में वो भी नहीं था। तो 14 तारीख को सारे ओलंपियंस राष्ट्रपति महोदय से मिले, 15 तारीख को सारे के सारे ओलंपियंस लाल किले पे थे, और उसके बाद वो माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां थे। तो अगर कोई नहीं था तो वो कौन था, वो विनेश फोगाट नहीं। और विनेश फोगाट वापस कब आ रही है, विनेश फोगाट आज वापस आ रही है, और उनकी इवेंट कब थी, 7 को हादसा हुआ, 8 को फैसला हुआ, 16 को, अब तक क्या। तो ये सारी चीजें जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है ये वहीं से सवाल उठ के आया कि साहब क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हो, और उस जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है विनेश फोगाट का जो जंतर मंतर पर किया गया वो आंदोलन, जिसके कारण सरकार की बड़ी भारी किरकिरी हुई लगातार। और देखा होगा मैं एक, एक, एक बीच में एक मतलब पूरक सवाल बीच में डालना चाहता हूं कि सीधा सीधा हम लोग तो बड़ा खुल करके बात करते हैं, सीधा सीधा अगर मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात, तो मोदी जी का शायद वो अहम, जिस अहम की वजह से उन्होंने ट्वीट नहीं किया विनेश की ऐतिहासिक सफलता पे, विनेश मेडल तक ना भी जाती, एक अजय पहलवान को हराई थी, मुझे लगता है मोदी जी का जो तौर तरीका है उस पे तो पहली कुश्ती जो प्री क्वार्टर फाइनल था वही जीतने के बाद ट्वीट चला जाना चाहिए था कि तुमने इतिहास रच दिया बेटा, तुमने अजय पहलवान को हरा दिया। लेकिन जो ये 15 अगस्त तक रोकने का प्लान जो खेल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से इशारा जो समझ रहा हूँ, अगर साफ करूं उससे धूल, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि मोदी जी का अहंकार अहम कि मैं अपने आंख के सामने
लाल किले के प्राचीर से जब मैं खड़ा होकर के बोलूंगा तो मेरे आंख के सामने विनेश फोगाट नहीं होगी, वहां पर कैमरों का आकर्षण नहीं बनेगी, कैमरे विनेश की तरफ नहीं घूमेंगे, कहीं लाइमलाइट जिसे कहते हैं महफिल लूट लेना, कहीं महफिल विनेश न लूट ले जाए। क्या यही खेल था अगर साफ शब्दों में कहें? आशीष जी निश्चित तौर पे इसको आप कह सकते हैं ऐसा, और इसका आपको संकेत कब मिला था? जैसा आपने उचित कहा, प्री क्वार्टर फाइनल की कुश्ती जब उसने जीती तो कमेंट्रेट में, क्योंकि उसमें तो पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होता है, ओलंपिक इज नॉट ए स्मॉल इवेंट, और जब वो जीती तो कमेंटेटर ने जोश में क्या कहा कि ये वही जंतर मंतर वाली लड़की है जिसने 82-0 के स्कोर वाली वर्ल्ड चैंपियन को पटकनी दे दी है, जो लड़की आज तक अजय थी जापान की। तो उस समय जो वो कमेंट्री का जो नैरेटिव बना, पूरा देश और पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी उसको, उसने एक जापानी पहलवान को नहीं हराया, उसने कहीं ना कहीं उस अहंकार को भी हराया था जिसको झेलते हुए, जिसको पार करते हुए, तमाम दिक्कतों को पार करते हुए वहां तक पहुंची थी वो। तो वर्ल्ड के जो कमेंटेटर थे, फॉरगेट अबाउट इंडियंस, उन्होंने ये कहा कि ये वही लड़की है जो जंतर मंतर पर जिसको कुचला गया था, अगर वो कमेंट्री आपको ध्यान हो तो, बीबीसी की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद सारा स्यापा वहां से शुरू हुआ कि ये तो उस लार्जर देन लाइफ हो गई, एक स्पोर्ट्समैन से आगे चली गई है, और वो संघर्ष का प्रतीक बन गई है कहीं ना कहीं, रेसलर्स के कहिए या स्पोर्ट्समैन के कहिए। वहां से वो सारी बीमारी शुरू हुई जो कमेंट्री में ये चीज आई, दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर आपको ध्यान हो तो। और उसके बाद वो सारा फेसबुक, ट्विटर और वो सारा जो भी मीडिया वार होता है, वो एक खास तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया बाय बोथ द साइड्स, दिस साइड आल्सो एंड दैट साइड आल्सो, और उसका फिर परिणति अभी तक हो ही रही है। और आज आपने देखा एयरपोर्ट पर वो आई तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि उनका स्वागत हम चैंपियन की तरह ही करेंगे और उनको वो सारी चीजें दी जाएंगी। लेकिन आज जब वो देश में आई तो हरियाणा सरकार की तरफ से उनको फॉर्मली कोई रिसीव करने भी नहीं आया, नोबडी वाज देयर। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहाना क्या लगाया जा रहा है, बहाना ये लगाया जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, आचार संहिता आपको मुझे रिसीव करने पर नहीं रोकती है, स्वागत हम एक दूसरे का कर सकते हैं, जाकर रिसीव कर सकते हैं। आचार संहिता ये कहती है कि कोई सरकारी खर्चे पर बड़ा इवेंट नहीं होगा, कोई भी किस तरीके का पैसा नहीं दिया जाएगा, प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा सरकारी खर्च पर, लेकिन रिसीव करना तो एक सामाजिक सम्मान की बात है, मान सम्मान की बात है कि आपने कुछ अचीव किया, मैं आपको रिसीव करने आया, आपका स्वागत कर दिया, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। लेकिन उसको भी उस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है कि आचार संहिता, मैं आपको स्वागत करने के लिए आ गया, इसमें आचार संहिता कहां थी? वो तो एक सम्मान की बात है, फॉर्मली आप एक लेमैन के तरीके से गए, एक बुके दिए और आ गए, आप स्वागत कर दिया, तमाम लोग गए हैं वहां पर, ऐसी बात तो नहीं है। दो ही चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार की तरफ से वहां कोई नहीं गया, बिजेंदर सिंह वहां थे बॉक्सर, लेकिन वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में, वो हालांकि बीजेपी में है आजकल, लेकिन वो एक स्पोर्ट्समैन के नाते गए। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जो नया विवाद छिड़ गया है आज के बाद, वो फोगाट परिवार के विद इन फैमिली के अंदर विवाद छिड़ गया है, और मेरी जानकारी ये आई है जो अपनी ग्रास रूट पे रिपोर्टर थी ग्राउंड पे, उसने कहा है कि महावीर फोगाट साहब उनको रिसीव करने जा रहे थे, लेकिन उनकी बेटी जो गीता फोगाट है, उनके पति ने एक ट्वीट किया जो मैंने भेजा भी है आपको, और उन्होंने कहा कि आपने जो अपनी पूरी कहानी लिखी कल ट्विटर पे 3 पेज की, उसमें आप अपने ताऊ को भूल गई। और उसी ट्वीट के ऊपर फिर उनकी जो धर्मपत्नी है गीता की, जो गीता है, उन्होंने सरोहा ने ट्वीट किया, पवन सरोहा ने, दोनों ट्वीट दिखा देते हैं। ये पवन सिरोहा का ट्वीट है, एग्जैक्ट पढ़ देता हूं मैं। विनेश आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है, लेकिन शायद आज आप अपने ताऊ महावीर फोगाट को भूल गए, जिन्होंने आपकी कुश्ती जीवन को शुरू किया था, भगवान आपको शुद्ध बुद्धि दे। ये पवन सरोहा हैं, ये दामाद हैं महावीर फोगाट के। उसके बाद गीता फोगाट उनकी जो बेटी है, बेटी का ट्वीट देखिए आप, ये ट्वीट देखिए और इसको समझिएगा, नाम इसमें नहीं मिलेगा आपको। कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। ये बताइए अपनी बहन के लिए, बहन की इस कामयाबी पर अगर एक बहन ऐसा ट्वीट करे तो इससे बड़ा छल कोई नहीं है, और इसके लिए किसी कल का इंतजार भी हमें नहीं करना है, किसी कल का नहीं इंतजार करना है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने है, छल भी सामने है और कल का इंतजार भी नहीं करना है। इसी पर तो आखिरी सवाल, इसी पर हम करेंगे चर्चा अब इसके आखिरी हिस्से में। भाई भाजपा का मैंने जो इतिहास देखा है, एक मामले में
कोई मुकाबले में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। आप एक एक प्रदेश घूम आइए, हर प्रदेश में आपको बड़े सियासी या सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार मिलेंगे जिनमें दो दरवाजे करवा दिए भाजपा ने, तोड़ दिया। अखिलेश यादव का परिवार, बहू नेताजी की भाजपा में चली गई। अनुप्रिया का परिवार, अनुप्रिया अलग जो है, पल्लवी अलग, सब परिवार छिन्न भिन्न करके रख दिए। बिहार आप चले जाओ, बिहार में चिराग पासवान का परिवार पहले चाचा के सर पे हाथ रख करके चिराग को अकेला कर दिया, चिराग बुझाने की कोशिश की, चिराग लगा कि इसी चिराग के लौ में दम है तो चाचा को पैदल कर दिया। आप उद्धव ठाकरे का परिवार आप देख लो, परिवार नहीं तो पार्टी सही। आप जो है शरद पवार का परिवार देख लो, आप हेमंत सोरेन का परिवार देख लो, जब चुनाव आए लोकसभा के, उससे पहले दुर्गा सोरेन को, हेमंत सोरेन की भाभी को, बड़ी भाभी को, उनको, ये मतलब एक एक राज्य की कहानी है। और एक कहानी तो मैं एक बार चर्चा में बताया, एक सांसद हैं, शायद नाम एग्जैक्ट अगर मुझे याद हो तो शायद सौमित्र खान ही हैं, बीजेपी के सांसद, वो जब कांग्रेस में थे तो 2009 में उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। ये मतलब है एक सामान्य घटना और इसको तंज ही माने, लेकिन इसके पीछे संदेश बहुत बड़ा है, इसके भीतर में एक दर्शन देखा। जब वो टीएमसी में आए, शायद 2014-15-16 ऐसा ही रहा होगा, तो शादी हो गई, जिसके साथ प्रेम संबंध था उसके साथ शादी हो गई, पति पत्नी बन गए। और जब वो भाजपा में आए तो उनका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। ये खोज सकते हैं, मैं एग्जैक्ट चर्चा में मुझे ध्यान में आ गया ये घटनाक्रम, ये कहानी याद आ गई। टीएमसी में प्यार, कांग्रेस में प्यार, टीएमसी में शादी, और भाजपा में आते ही तलाक। तो ये खासकर राजनीतिक परिवारों में करते थे, कोई बात नहीं है, ठीक करो, सियासत में मोहब्बत और जंग में सब जायज है। लेकिन एक ऐसा परिवार जिस परिवार के चौखट पे गर्व से माथा टेकते, हमारे जैसे आदमी तो जरूर टेकते माथा, और आज भी टेकेंगे, उस परिवार से गर्व निकलता है, देश की बेटियां जब निकलती हैं, उस परिवार के चौखट को पाट दिया। सिर्फ सियासत ही इसके पीछे मुझे नजर आती है, बाकी तो बैकग्राउंड आपसे ही मैं सुनूंगा, आखिर क्या है इसका पूरा पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, इसमें आशीष जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि फोगाट साहब की जो बेटी है बबीता, आपको ध्यान होगा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और पिछली बार 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा अपनी होम कंस्टिट्यूंसी से, जो नेटिव कंस्टिट्यूंसी उनकी दादरी में, वो चुनाव हार गई वो अलग बात है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है। और ये उसमें बेसिकली ये था कि इस परिवार की अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इस परिवार का जुड़ाव कभी किसी दौर में फोगाट साहब का, महावीर फोगाट साहब का इंक्लिनेशन जो था वो जननायक जनता पार्टी की तरफ था, जो चुटालाज की पार्टी, और उसका पार्टी का भी क्या हुआ वो आपने हशर देख ही लिया पीछे लोकसभा में भी, और सारा हुआ वो भी बेसिकली क्या है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत का कारण ही उस जजपा बनी थी, और उस जजपा का क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। एनीवेज, तो अब ये है बेसिकली कि ये परिवार बेसिकली तो नॉन पॉलिटिकल था, जब तक स्पोर्ट्समैन थी बबीता तब भी वो उस तरीके से नॉन पॉलिटिकली थी। स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो उनका अपनी च्वाइस है, उसमें कोई वो बात नहीं, लेकिन पूरा परिवार जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ खड़ा ना हो करके एक पार्टी लाइन पर, और जो आपने ये ट्वीट दिखाया अभी, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। आपकी बहन एक इतनी बड़ी अचीवमेंट करके आई है, फाइनल तक तो पहुंची ना, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली महिला पहलवान है वो, और उसको किस तरीके से जो ट्वीट दिखाया आपने गीता का कि उसका फल फला ये और ये सब, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। ये वो दिखाता है कि इस परिवार के अंदर बैटल लाइंस ड्रॉन है, आपस में संघर्ष है, बहुत तीखा संघर्ष है, और एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे। और वो आज आपने देख भी लिया, जो मुझे जानकारी मिली थी कि फोगाट परिवार के कुछ लोग विनीश को लेने गए थे, विनेश को, और इस ट्वीटबाजी के बाद वो वापस रास्ते से लौटे, और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि अभी, क्योंकि वो रास्ते में है विनेश और अपने गांव जा रही है बलाली, वहां पे एक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन, उसमें काफी लोग होंगे स्टेडियम में। अब उसमें ये भी नहीं पता कि वहां भी फोगाट साहब आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितनी सीमित भूमिका उनकी रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक परिवार जिसने पूरे देश की महिलाओं को कुश्ती जैसे खेल के अंदर
एक नई राह दिखाई, एक महिला सशक्तिकरण की राह दिखाई, उसके अंदर भी राजनीति घुस गई और राजनीति ने उस परिवार को विभाजन के उस पर ला करके खड़ा कर दिया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। राजनीति आपकी है तो है आपकी, मेरी राजनीति है तो मुझे मुबारक, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्राइसिस का दौर था उस लड़की के लिए। वो मरते मरते बची है, पहले कभी वो डिप्रेशन का शिकार रही है, तमाम उसके साथ व्याधियां हुई है, 140 दिन तक उसने जंतर मंतर पर संघर्ष किया है, कभी वो मेडल बांटने गई, वो कोई शौक थोड़ी था। और उस टाइम भी अगर आपको ध्यान हो तो महावीर फोगाट का परिवार उस संघर्ष में भी कहीं नहीं था, नहीं था बिल्कुल। तो ये जो विनेश है ये तो पूरी तप के निकली ही, यहां तक तप के पहुंची है। 4 दिन पहले इस लड़की ने रोते हुए अपना मां मैं हार गई वो ट्वीट किया, बड़ा ऐतिहासिक, जिसका बड़ा इंटरनेशनली उसका वो हुआ। और अब उसने अपने आप को फिर दोबारा से होश संभालते उसने कहा कि मेरे अंदर अभी भी कुश्ती बाकी है और मैं देखती हूँ क्या, तो एक तरीके से उन्होंने संन्यास वापस लिया। तो ऐसे नाजुक दौर में तो कोई जो शत्रु होता है वो भी शुभकामनाएं प्रेषित करता है, क्योंकि विनेश इंडिविजुअल नहीं है, विनेश देश की नारी शक्ति का प्रतीक है, वो संघर्ष का प्रतीक है, वो खिलाड़ियों की सामूहिक ताकत का प्रतीक है, वो इस देश के महिलाओं के संघर्ष का प्रतीक है, वो इंडिविजुअल नहीं है। और अगर उसके साथ आपकी कोई ईगो क्लैश है भी तो उसको आज एक्सप्रेस करने का दिन नहीं है। लेकिन जो गीता फोगाट ने किया, जो उनके हस्बैंड ने किया, वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। जो हरियाणा सरकार ने किया वो अनफॉर्चुनेट है, कि कम से कम जब आप कह रहे थे कि हम उनको एक चैंपियन की तरह स्वागत करेंगे, तो चैंपियन की तरह स्वागत करने का मतलब ये होता कि हरियाणा सरकार का कोई भी सीनियर आदमी रिसीव कर लेता, वहां एक बुके देता और उनको बताता कि साहब कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हम बड़ा स्टेट लेवल का सिविक फंक्शन नहीं कर पा रहे। हकीकत भी है, आज रोहतक के अंदर मुझे बताया गया कि एक फंक्शन था उसमें, लेकिन चूंकि कल आचार संहिता लागू हो गई तो उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन कैंसलेशन का मतलब ये तो नहीं ना कि आप रिसीव करने भी मत जाओ और एक तरीके से उसको छोड़ दो अपने ऊपर। तो उस तरह की एक स्थिति बनी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको हमारे देश के अंदर बेटियों को राह दिखाने वाली ये लड़की थी, फोगाट परिवार था। इनके अंदर अगर कोई राजनीतिक मतभेद है तो मुझे लगता है कि उनको पारिवारिक स्तर पर सुलझा करके, क्योंकि बीजेपी का तो ये पहला वो नहीं है कि परिवारों के अंदर, आपने शरद पवार का परिवार देख लिया, उनका सबसे पुराना अलाई उद्धव ठाकरे का परिवार देख लिया, उनके सबसे पुराने अलाई हरियाणा में चुटाला थे, जो नेचुरल अलाई वो चुटाला अजय और अवैला करवा दिए, तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये परिवार की तो कोई पॉलिटिकल इतनी लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, इस फैमिली को तो पूरी दुनिया स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स के नाम से जानती है। तो इस तरह का विभाजन नहीं होना चाहिए, और ये तो पूरे देश के लिए एक राह दिखाने वाली बात थी। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसमें बुरे तरीके से चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और विनेश इंडिविजुअल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं हरियाणा की महिलाओं के शक्ति का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रतीक है, बहुत सारी चीजों का है। और नारी शक्ति हरियाणा के चुनाव में 48% वोटर्स है, यूथ है, उन सबको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती थी। तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, हो सकता है प्रधानमंत्री को उनका चेहरा पसंद ना हो, कोई खास बात नहीं, सबको सारे चेहरे पसंद नहीं होते, लेकिन एक बेयर मिनिमम डेकोरम और प्रोटोकॉल ये कहता था कि सरकार का कोई प्रतिनिधि जाके उनको रिसीव करता और बात करता, उसके बाद जो होना है होता रहेगा। लेकिन उतनी भी एक मिनिमम कर्टसी नहीं निभाई, इसको पूरे प्रदेश ने आज नोट किया है, और इसके चुनाव पर हल्के फुल्के परिणाम कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन में जरूर दिखेंगे, चाहे वो यूथ हो चाहे वो महिला हो। बिल्कुल। और एक बात चलते चलते आखिर में यही कहेंगे कि मोदी को अधिकार है कि किसी का चेहरा ना पसंद करें, हेमंत अत्री जी का चेहरा ना पसंद करें, आशीष चित्रांसी का चेहरा ना पसंद करें, अशोक कुमार खड़े का चेहरा ना पसंद करें, लेकिन प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है कि हेमंत अत्री जी का चेहरा ना पसंद करें या अशोक कुमार खड़े का चेहरा ना पसंद करें। ये प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, नरेंद्र मोदी को। खैर, देश की बेटी आई है, बधाई पूरे देश को, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे देश की बेटी आई है, पूरे देश को बधाई हो। देश गमगीन भी है, गर्व भी महसूस कर रहा है, लेकिन जो खेल जिससे पर्दा हटाया है अत्री जी ने, उस पर जरूर गौर कीजिएगा कि क्या 15 अगस्त लाइमलाइट कैमरा जीवी को इतना डर कि कैमरे का फोकस कहीं और ना हो जाए, कैमरे का रुख कहीं और ना कैमरामैन घुमा दे, इससे डर के क्या इतने दिन तक पेरिस में रोका रखा गया। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे हेमंत अत्री जी के साथ, हरियाणा के चुनाव की होगी बात। इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।